ये प्रबल सिंह तोमर जी की आईडी है व्हाट्सएप की, उनको कैश दे दिया जाता था और गुरुद्वारे के पैसे पक्का कैश का कोई बैंक में रिकॉर्ड नहीं होता। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के करोड़ों रुपए के कथित लेन देन के दो वीडियो सामने आने के बाद अब उस शख्स का वीडियो सामने आया है जिसे वो कथित तौर पर 100-200 नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए की लेन देन की बात करते दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर बड़ा वार किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री तोमर ने भी मामले पर चुप्पी तोड़ी है। चुनाव से चंद दिन पहले इस तरह के वीडियो सामने आना बीजेपी और नरेंद्र सिंह तोमर के लिए वाकई एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसे लेकर तमाम कांग्रेस नेता और राहुल गांधी लगातार केंद्रीय मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। ताजे वीडियो में शख्स कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। सबसे पहले दिखाते हैं और सुनाते हैं आपको वो वायरल वीडियो। वो वीडियो जो है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी का है। अब उसमें जो दूसरी आवाज है वो मेरी है और मैं जो हूँ मैं ब्लूबेरी की और भांग की गांजा की खेती करता हूँ, तो इनको भी कनाडा में गांजा की भांग की खेती के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन वो बोले जी हमारे पास अभी तो अपना पैसा नहीं, कहीं से बनेगा तो हम ज़रूर लगाएंगे। आगे जब बात हुई फ्रेंड बने तो जो त्यागी जी का उसमें जिक्र है, जो मोनैडो का कोहली साहब का जिक्र है, मेरे उनके सभी के मेरे पास प्रूफ हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो एक कनाडा का कोड एक है 778-208-8600 है। किसी भी मीडिया अदारे को उसके लिए प्रूफ चाहिए हो, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रूफ चाहिए हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। ये प्रबल सिंह तोमर जी की आईडी है व्हाट्सएप की, उनके साथ मेरी चैट है, आप ध्यान से देख सकते हो इसको। और इसमें जो पैसा घूमता था वो मनजिंदर सिंह सरसा जी, उस टाइम गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उनको कैश दे दिया जाता था और गुरुद्वारे के पैसे पक्का कैश का कोई बैंक में रिकॉर्ड नहीं होता तो वो जमा हो जाता था। वो वायर जो होती थी वो वायर ऐसी होती थी आईसीआईसी बैंक से, अगर वो दिखाई दे रही है तो। बड़ी बात यह है कि ये शख्स खुद वही इंसान अपने आप को बता रहा है जिससे देवेंद्र सिंह तोमर उनसे कथित तौर पर वायरल वीडियो में बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में शख्स बोल रहा है कि ये लेन देन 100-200 करोड़ का नहीं बल्कि 10,000 करोड़ का है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी को जमकर घेरा और बड़े आरोप लगाए। और ये 100-500 करोड़ का नहीं, ये 10,000 करोड़ का मामला है। 10,000 करोड़ कितने जीरो होते हैं अभी गिनते रह जाइएगा। ये 10,000 करोड़ का मामला है। पेस्टिसाइड पर, बीज पर, हर चीज पर कमीशन लिया गया और साफ तौर से ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा कैश में दिया जाता था और गुरुद्वारे जैसी इतनी पाक, इतनी पावन संस्था को भी इन लोगों ने दूषित करने का काम किया, उनका भी दुरुपयोग किया गया। 3 कृष्ण मनन मार्ग पे अगर आपको याद हो एक पार्सल आना था, प्रूफ चाहिए था, वो पार्सल तोमर जी की बहू श्री मती हर्षनी जी के लिए आया था और उसमें मेकअप के सामान के साथ भांग और गांजा भी तथाकथित तौर पर भेजा गया था। अब इस मामले को तूल पकड़ता देख बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बेटे के पक्ष में सफाई पेश की और लिखा, आज सोशल मीडिया पर एक कूट रचित वीडियो मेरे बेटे से संबंधित वायरल किया गया है। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है जो चुनाव के समय विपक्ष के द्वारा जनता को भ्रमित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। बता दें कि इससे एक दिन पहले जब ग्वालियर में उनसे इसी मामले को लेकर सवाल पूछा गया था तो पत्रकारों से उन्होंने कह दिया कि इस तरीके के मामलों में समय बर्बाद ना करें। बाकी चीजों के बारे में ज्यादा समय जाया मत करो। वहीं इस मामले में कांग्रेस लगातार बीजेपी और केंद्रीय मंत्री पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगभग अपने हर बयान में इस मामले का जिक्र कर लगातार केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और नरेंद्र सिंह तोमर को लगातार घेर रहे हैं। भाइयों और बहनों, तोमर जी के बेटे पर
नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई की, सीबीआई लगाई, ईडी लगाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाया। यहां पे 50% कमीशन सरकार चल रही है। महाकाल कॉरिडोर में चोरी की, व्यापम में 1 करोड़ युवाओं को नुकसान किया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं। पटवारी एग्जाम स्कैंडल में कोई इंक्वायरी नहीं। एमबीबीएस सीट बिकती है, कोई इंक्वायरी नहीं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और दिमनी से बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के कथित तौर पर करोड़ों रुपए के लेन देन पर चर्चा करने वाले 2 वीडियो ने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़ा सियासी बवाल पैदा कर दिया है। इस मामले में देवेंद्र तोमर ने पहले वायरल वीडियो को लेकर पुलिस शिकायत में कहा था कि ये वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें झूठा दावा किया गया है कि मैंने करोड़ों रुपए की लेन देन की है। ये छेड़छाड़ करके मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। पहले बेटे और अब पिता ने भी इस मामले पर सफाई पेश की है, लेकिन लगातार कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है। आपके हिसाब से इन वायरल वीडियो को लेकर क्या आपकी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।